पर बॉर्डर पे जो हुआ ना वो ठीक नहीं है। आपने फिर आवाज दी माइक्रोमैक्स, और हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी आत्मनिर्भर भारत का ऐलान कर दिया है। दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल टेक्निकल मिस्ट्री में। दोस्तों आज हम करने वाले हैं कंपैरिजन माइक्रोमैक्स इन वन और दूसरे पर हमारा रेडमी 9 प्राइम। इन दोनों फ़ोन के आज हम करने वाले हैं कंपैरिजन। दोस्तों माइक्रोमैक्स एक इंडियन ब्रांड है और रेडमी एक चाइनीज़ ब्रांड है, तो इन दोनों फ़ोन के आज हम करेंगे कंपैरिजन और जानेंगे दोस्तों दोनों फ़ोन में से कौन सा फ़ोन ज़्यादा बेटर होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों माइक्रोमैक्स काफ़ी टाइम बाद अपना इंडिया में एक स्मार्टफोन लॉन्च कर रहा है जिसका नाम है माइक्रोमैक्स इन वन और दूसरी तरफ हमारे पास रेडमी 9 प्राइम। दोस्तों माइक्रोमैक्स एक इंडियन ब्रांड है और रेडमी एक दोस्तों चाइनीज़ ब्रांड है। दोस्तों तो डिस्प्ले की बात कर ली जाए 6.5 इंच का डिस्प्ले आपको दोनों ही फ़ोनों में देखने मिल जाएगा, फुल एचडी डिस्प्ले। दोस्तों अगर दोनों ही फ़ोनों में आप टॉप प्रोसेसर देखने मिल जाएगा, 4GB रैम 64GB स्टोरेज आपको दोनों ही फ़ोनों में देखने मिल जाएगी। ट्रिपल कैमरा आपको दोस्तों माइक्रोमैक्स इनमें देखने मिल जाएगा, रेडमी में आपको मिलता है क्वाड कैमरा। दोस्तों दोनों ही फ़ोनों की बैटरी की बात कर ली जाए 4500mAh की बैटरी आपको मिलती है माइक्रोमैक्स में और रेडमी में आपको मिल जाती है 5000mAh की बैटरी। दोस्तों अगर दोनों फ़ोनों की लॉन्चिंग डेट की बात कर ली जाए तो माइक्रोमैक्स आपको 3 तारीख को इंडिया में देखने मिल जाएगा और रेडमी 9 प्लस दोस्तों को 6 अगस्त 2020 में देखने मिल गया था। दोनों फ़ोनों में आपको एंड्रॉयड V10 का सपोर्ट देखने मिलता है और रेडमी में आपको दोस्तों कस्टम UI की बात करते हैं दोनों फ़ोनों की तो रेडमी में आपको MIUI देखने मिलता है और माइक्रोमैक्स देखते हैं दोस्तों कस्टम कौन से UI के साथ आता है। दोनों फ़ोनों में आपको फिंगरप्रिंट सेंसर देखने मिल जाता है, फास्ट चार्जिंग दोस्तों आपको दोनों फ़ोनों में देखने मिल जाती है। दोस्तों माइक्रोमैक्स इन जो है दोस्तों ये पंच होल डिस्प्ले के साथ आता है। दोस्तों रेडमी 9 प्राइम जो है दोस्तों ये आपको वाटर ड्रॉप डिस्प्ले के साथ देखने मिलता है। दोस्तों दोनों फ़ोनों के पिक्सल डेंसिटी की बात कर ली जाए 396 PPI की आपको मिलती है माइक्रोमैक्स में और दोस्तों रेडमी में आपको मिल जाती है 395 PPI की। IPS LCD डिस्प्ले आपको दोनों ही फ़ोनों में देखने मिल जाएगा। कोने को अलग जैसे प्रोडक्शन की बात कर ली जाए रेडमी के 9 प्राइम में आपको P3 की प्रोडक्शन देखने मिलती है। चिपसेट की बात करते हैं दोस्तों माइक्रोमैक्स हेलियो G85 मिलेगा आपको माइक्रोमैक्स में और रेडमी में आपको मिल जाएगा हेलियो G80 जिसमें आपको 2GHz की स्पीड देखने मिल जाएगी दोनों ही फ़ोनों में 64 bit के साथ। अगर ग्राफिक्स की बात करते हैं दोस्तों तो माइक्रोमैक्स में दोस्तों अगर दोनों फ़ोनों की ग्राफिक्स की बात करते हैं तो माइक्रोमैक्स में आपको माली G52 की ग्राफिक्स देखने मिल जाएंगी MC2 और रेडमी में आपको मिलती है माली G52 की ग्राफिक्स। 4GB रैम मेरी देखने दोनों फ़ोनों में देखने मिल जाएगी 64GB स्टोरेज के साथ जिसमें आप एक्सपांड कर सकते हैं 512GB के साथ। दोनों फ़ोनों के कैमरा सेटअप की बात करते हैं तो माइक्रोमैक्स में आपको ट्रिपल कैमरा देखने मिल जाएगा और रेडमी में आपको मिलता है क्वाड कैमरा 48MP प्लस 8MP प्लस 2MP का आपको देखने मिलता है माइक्रोमैक्स में। दोस्तों रेडमी में आपको मिलता है 13MP का प्लस 8MP प्लस 5MP प्लस 2MP का कैमरा देखने मिलता है आपको क्वाड कैमरा रेडमी के स्मार्टफोन में। दोस्तों दोनों फ़ोनों का अगर LED फ्लैश की बात दोनों फ़ोनों में आपको LED फ्लैश देखने मिल जाती है। तो दोनों फ़ोनों में आपको फ्रंट में सिंगल कैमरा देखने मिल जाता है 16MP का मिलता है आपको माइक्रोमैक्स में और रेडमी में आपको मिलता है 8MP का कैमरा जिसका पिक्सल आपको F2 का मिलता है रेडमी में। और तो माइक्रोमैक्स का पिक्सल तो जब आएगा दोस्तों जब ही इंडिया में लॉन्च हो जाएगा। कैपेसिटी की बात करते हैं बैटरी की तो 4500mAh की बैटरी मिलती है माइक्रोमैक्स में और रेडमी में आपको मिलती है 5000mAh की बैटरी। दोनों ही बैटरी लिथियम हो जाती हैं। उससे बात करते हैं दोस्तों USB टाइप सी की तो रेडमी 9 में आपको मिल जाती है USB टाइप सी और माइक्रोमैक्स में आपको USB टाइप सी देखने नहीं मिलती है। तो दोनों ही फ़ोनों में आपको ऑडियो जैक भी देखने मिल जाता है 3.5mm का ऑडियो जैक दोनों ही फ़ोनों में देखने मिलता है। दोस्तों फिंगरप्रिंट सेंसर की बात करते हैं दोस्तों दोनों ही फ़ोनों में आपको फिंगरप्रिंट सेंसर देखने मिल जाएगा बैक साइड में। बाकी सेंसर भी दोस्तों आपको दोनों ही फ़ोनों में बिल्कुल सेम देखने मिल जाते हैं। दोस्तों अगर आपको ये कंपैरिजन वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।